तपोनिष्ठ और शिव ध्यान पारायण थी। उस कृशांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्य मूड ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखा दिया। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने भयानक दुर्वचन कहे और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी, अनेक बार स्नेह पूर्वक भगवान शिव की पुकार करने लगी। उस त्वांगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। भगवान शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु को ही शरण में चली गई। तब शरणागत की रक्षा सदाचारी की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के कारण भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहल दैत्य मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित हो कहा, वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मणी ने उसके उस आनंददायक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया, फिर उसको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध चित अंतन करने वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उसकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देवादि देव महादेव शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभो महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए सदा यहाँ स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, ऋषिके, तुम सदाचारिणी और विशेषता है मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमको मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दिए। ब्राह्मणों, इसी प्रकार श्री विष्णु और भगवान ब्रह्मा आदि देवता वहाँ भगवान शिव का अविभार हुआ, जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित होकर बोली। गंगा ने कहा, ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश में विलीन हो गई। यह देख सब देवता आनंदित हो तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान शिव वहाँ नंदीकेश नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने सुपाप को धोने के लिए वहाँ जाती है, जो मनुष्य से ग्रहण किया करती है। अध्याय 4 वैशाख। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। तदन अंतर कपिला नगरी के कलेश्वर रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए महर्षि सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महत्व सुनाकर अत्यंत बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महत्व कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। महर्षि सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महत्व तथा उसके प्रकाट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप में ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मुने, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महत्व को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों,
महामाना प्रजापति दक्ष ने अपनी यश्वनी यदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था, चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी, उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इसमें दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ, वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे अपने पिता को निवेदक किया। द्विजो वह सब पक्ष सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और बोले, चंद्रमा के पास आकर शांति पूर्वक बोले, राजा दक्ष ने कहा, कलानिधे तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। महर्षि सूत जी कहते हैं, महर्षियों अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले आए। उन्होंने पूर्ण निश्चय हो गया कि फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने तो प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतनी आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो गए। फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए आज शाप देता हूँ, तुम्हें क्षय का रोग हो जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे, हाय हाय अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। मुने इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहल हो गए। चंद्रमा ने देव इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि सब देवता तथा महर्षि वशिष्ठ आदि श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता, अतः उनके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का पूजन किया, 10 करोड़ मंत्र का जाप किया और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिरचित होकर लगातार खड़े रहे। उन्होंने तपस्या करते देखकर भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। भगवान शंकर ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांग लो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है, तथापि प्रभो आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए, मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, चंद्रदेव एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में वह निरंतर बढ़ती रहे। तदनंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महत्व को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए
भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहाँ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए।